हर बार ब्राह्मण ही क्यों सताया जाता है? आदमी जो है एक ब्राह्मण रवि तिवारी, उसको मारते पीटते गाली गलौज करते पैसा मांगने जाता, उसके बाद उसको आप अपहरण कर लेते हो, तो क्या मनसा सरकार की? अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार? जाए तो कहाँ, किसके पास जाए? जहाँ जाए वहाँ जूता लात खाए। हम लोग बहिष्कार कर देंगे इस चुनाव का, कोई जाएगा ही नहीं। और कम संख्या नहीं है, 72,000 वोटर हैं मिल्कीपुर में। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अगर अन्याय हो रहा उसके साथ तो न्याय मिलना चाहिए उसको। हाँ, ये नहीं है कि अगर अमन के साथ हुआ तो उसी के क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। एनी वे जो भी घटनाएं घट रही हैं, सरकार को सशक्त होना पड़ेगा। कोई बिरादरी देखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करके और बच्चे को न्याय दिलाना सरकार की मंशा होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जनता रोड पे आएगी, विशाल धरना प्रदर्शन करेगी, चिल्लाएगी। जब तक नहीं हो जाता है तब तक मिल्कीपुर चुनाव का बहिष्कार करेगी। नमस्कार। मिल्कीपुर चुनाव की सरगर्मियाँ इस समय तेज हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुछ इस बीच में घटनाएं भी ऐसी घट जा रही हैं जो कि चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर रही हैं। जैसे भी भदरसा कांड हुआ, भदरसा के बाद रायपट्टी कांड हुआ, एक मुस्लिम के द्वारा दलित बालिका के साथ जो है गलत काम किया गया। अभी ज्वलंत एक दिन दो दिन पहले की घटना है, जो अजीत प्रसाद जी हैं सपा से, जिनको सपा ने जिसको प्रत्याशी बनाया है, अवधेश प्रसाद जी के सुपुत्र हैं, उनके ऊपर एक युवक को अगवा करने का, उससे पैसा वसूली का आरोप लगा है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। इन चुनावों का क्या असर होगा, इस समय अयोध्या कचहरी में हैं हमारे साथ कुछ युवा अधिवक्ता हैं यहाँ पर बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चुनाव का दिशा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे सांसद जी के पुत्र जिसको सपा से टिकट मिला है, चला भी जो है? उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, ये जांच का विषय है अपने आप में। अगर ऐसा कृत्य किया गया है तो पुलिस को ईमानदारी से निष्ठापूर्वक जांच करके अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो उनको बरी करना चाहिए, और यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनका टिकट भी कटना स्वाभाविक होगा। क्योंकि जो भी कृत किया गया है, जो एक ब्राह्मण युवा जो उनके साथ उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहता था, और उनके जो पिताजी के सांसद बने चुनाव में काफ़ी मेहनत कर किया था, उसके साथ अगर ऐसा कृत किया गया है तो बहुत ही निंदनीय है। और इसका असर मिल्कीपुर के चुनाव में दिखेगा अगर वो दोषी पाए जाते हैं। फुटेज जो CCTV फुटेज निकाली गई, उसमें तो आ गया है कि 4-5 लोग उसको उठाते हुए नजर आए हैं। अब वो पुलिस की जांच का विषय है, अगर है ऐसा, जांच उसी पे तो हो रही है कि सही है कि गलत है, जो भी है। वो कहते हैं वो अपनी मर्जी से बैठा है, वादी कहता है नहीं मुझे जबरन बैठाया गया है, तो पहले वादी की बात मानी जाएगी ना कि अभियुक्त की बात। अगर ऐसा कृत हुआ है तो इसका मिल्कीपुर के चुनाव में बहुत असर पड़ेगा। जी जी। और भविष्य में उनके लिए ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि अभी पिताजी को सांसद हुए, एक साल भी नहीं हुए हैं, अब उनके द्वारा जो ये कृत किया जा रहा है, ब्राह्मणों का शोषण अगर किया जा रहा है तो इसके लिए हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये। अब इसके आगे सांसद जी को खुद समझ लेना चाहिए, जो भी बेटे द्वारा किया गया है अगर वो सही होता है, सही पाया जाता है, तो उनको स्वतः जाके सपा प्रमुख से निवेदन करके अपने सपा बेटे का टिकट स्वयं कटवा करके किसी दूसरे को देने का आग्रह करना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत नमस्कार जी। अयोध्या परिचय। मैं एडवोकेट सुधाकर पांडे, हमारे अभी गुरुजी आपसे बता रहे थे, उसी बात में अपनी बात कड़ी जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ कि हर बार ब्राह्मण ही क्यों सताया जाता है? जी जी जी। आपकी सरकार है भाजपा, जैसे भाजपा की सरकार है, उपचुनाव है, इतना सब देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक महीने में 4 बार दौरा किए हैं, तो ब्राह्मण ही क्यों सताया जाता है, वो भी ऐसे कैंडिडेट के द्वारा?
मतलब विपक्ष का है वो, अब आप क्या कर रहे हैं? और सीसीटीवी फुटेज आपको साक्ष्य एविडेंस है, आपने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? आपकी मंशा क्या है? 72,000 ब्राह्मण मिल्कीपुर में हैं, क्या उन्हें वोट की लालसा नहीं है, लोभ नहीं है? भाई आपको, आप भाजपा के हैं, आप सरकार है, अब आपके विपक्ष पार्टी का आदमी जो है एक ब्राह्मण रवि तिवारी, उसको मारते पीटते गाली गलौज करते पैसा मांगने जाता, उसके बाद उसको आप अपहरण कर लेते हो, तो क्या मंशा सरकार की? अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? मैं टिकट की बात नहीं करूंगा, ब्राह्मण सताया क्यों जा रहा है? जी। अगर आप हमारे हितैषी हैं, सभी लोग कहते हैं बाबन ठाकुर बनिया लाला, उसके बाद SC OBC सबकी बात सभी लोग भाजपा वाले कहते हैं, नेता सब हमारे साथ में हैं, ब्राह्मण को सिर्फ सभी लोग देखते हैं, तो ब्राह्मण सताएगा तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका कारण क्या है? इसका मतलब आप डरते हैं जी? और इसके पहले पूर्व चुनाव हुआ, कहते हैं कि ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा किया, माननीय पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी थे, खुल के लामबंद तरीके सारे ब्राह्मण उनके साथ जुटे थे जी। यही तो प्रतिफल मिल रहा ब्राह्मणों का। अगर आपके सत्ता के साथ आपके भाजपा की सरकार साथ हैं, ब्राह्मण मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे जी। मैं टिकट की बात नहीं करता क्या कर रहे, लेकिन आप क्या करते हो? आपकी सरकार है, आपके यहाँ के 4 कैबिनेट मिनिस्टर मिल्कीपुर में पड़े हैं जी। आपके सर्किट हाउस में दो तीन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं, विजिट करते हैं दूसरे दिन, आपने किया क्या अभी तक? ये घटना आज नहीं तो है नहीं कि आज पहले दिन की है, 5-4 दिन पुरानी घटना है जी। तो बहुत विचार करने योग्य है, आखिर ब्राह्मण जाए तो कहाँ, किसके पास जाए जी। जहाँ जाए वहाँ जूता लात खाए जी। तो हम लोग बहिष्कार कर देंगे इस चुनाव का, कोई जाएगा ही नहीं जी। और कम संख्या नहीं है, 72,000 वोटर हैं मिल्कीपुर में जी। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और पूरे जिले क्या प्रदेश में अगर इस तरीके से ब्राह्मणों के साथ में होगा तो ब्राह्मण को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी। तो मेरी मांग है कि जिसने भी किया हो, चाहे जिस भी पार्टी पदाधिकारी रहा हो या कोई भी रहा हो, मैं मांग करूंगा उसको पहले गिरफ्तार करें। अपहरण का केस जो है हल्का नहीं होता मुकदमा जी। उसको गुरुजी ने हमें बताया हल्का फुल्का मामला नहीं, उसको पहले गिरफ्तार करो आप जी। नहीं तो आए दिन फिर आज एक ब्राह्मण पीटा गया, अपहरण किया गया, कल दूसरा ब्राह्मण मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अपहरण किया जाएगा उसका जी। तो सरकार से मेरी मांग है कि वो इस पर बहुत ही गंभीरता से लेकर इस प्रकरण को पे कार्यवाही करें जी। मैं किसी पार्टी नहीं हूँ, कोई भी अगर है पदाधिकारी तो उसको जो है आप ले जाके गिरफ्तार करो, उसको दंडित करो, तब हम लोग आपके साथ में आएंगे, तब हम लोग वोटिंग करेंगे, नहीं बाइकाट कर देंगे वोटें जी। मैं अकेला नहीं करूँ, कम से कम 72,000 ब्राह्मणों में बात कर रहा हूँ समर्थन जुड़ के। ये बहुत गंभीर प्रकरण है, बहुत गंभीर मामला है कि आज एक तिवारी के साथ में हो, कल पांडे के साथ में होगा, कल दुबे के साथ में होगा, पाठक चौबे ओझा उपाध्याय सबके साथ में होगा जी। तो सरकार के 4 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब वो गरीब है, कमजोर है जी। गरीब कमजोर है, वो न्याय के लिए दर दर भीख मांग रहा है। ये कहो सबसे बड़ा सपोर्ट मीडिया, मीडिया वाले अगर ना होते तो इतनी बड़ी आवाज़ जो फैली है समाज में आवाज़ें नहीं जाती जी। सरकार से ज़्यादा सहयोग मीडिया ने किया इस पर। भैया मान लो सपा था तो सरकार के लिए सबसे बड़ी लोक लुभावन चीज़ है, मान लो उसको किसी पार्टी को जोड़ दें, सपा जोड़ दें, बसपा जोड़ दें, लेकिन आज ब्राह्मण तो ब्राह्मण जोड़ेगा जी। 72,000 वोटर हैं, अगर आप न्याय करोगे सारे ब्राह्मण आपके साथ खुल्लम खुल्ला रहेंगे जी। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं किस पार्टी कैंडिडेट थे, लेकिन न्याय अन्याय जी क्या कहेंगे? वो कोई बिरादरी हो, अगर अन्याय हो रहा है उसके साथ तो न्याय मिलना चाहिए उसको। हाँ, ये नहीं है कि अगर अमन के साथ हुआ तो उसी के क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। एनी वे जो भी घटनाएं घट रही हैं, सरकार को सशक्त होना पड़ेगा जी। कोई बिरादरी हो कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं करेगी जनता है, वो अगर ऊपर पहुंचा सकती है तो किसी को नीचे भी पहुंचा सकती है, क्योंकि हम समाज के हैं और आप भी समाज से ही उठे हैं, इसलिए आपको सबको देखते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करके और बच्चे को न्याय दिलाना सरकार की मंशा होनी चाहिए जी। मैं आपकी बातों में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम पेशे से अधिवक्ता हैं, सर्व समाज की बात है, हमारे पास सारे बिरादरी के लोग आते हैं, लेकिन आवाज़ यहाँ उठी कि एक ब्राह्मण के साथ में ज्यादती हुई, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मैं उस पर जोड़ रहा हूँ। सारे लोग हमारे अपने हैं, मेरा सबसे संबंध है हर बिरादरी से, हर समुदाय से मेरा संबंध है, लेकिन बात यहाँ पर तिवारी की बात आई, तो मैं खुल के बोल रहा हूँ उस चीज़ को लेकर, अगर ज्यादती होगी तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।
आज तिवारी के साथ में, किसी के साथ में अगर अन्याय होता है, जिसे गुरुजी ने हमारे कहा कि कोई भी समाज का आदमी हो, किसी समुदाय का आदमी हो, किसी के साथ में जाति हो, अन्याय हो, तो सरकार को पूरा भरपूर प्रयास करना चाहिए न्याय के लिए, जो है प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उस सब चीज़ों में समर्थन करता हूं, लेकिन जो परसों की घटना हुई है उस पर क्या कार्रवाई, अगर ये 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जनता रोड पे आएगी, विशाल धरना प्रदर्शन करेगी, लाएगी। जब तक नहीं हो जाता है तब तक मिल्कीपुर चुनाव का बहिष्कार करेगी। ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला हुआ है नया, इसको लेकर एक बार चुनावी सरगर्मी और तेज़ होगी, निश्चित रूप से आने वाले उपचुनाव पर इसका असर पड़ने जा रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, धन्यवाद आपका।